नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टडी विद सीएम में। आइए हम बात करते हैं बीपीएससी के बारे में, जो इसका नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुका है। नवंबर में इसका पेपर है, यहाँ नवंबर 2024 में, और अच्छे से हम पढ़ेंगे, रणनीति जानेंगे, तभी इसमें सफल होंगे, नहीं तो सपना अधूरा रह जाएगा। इसमें ये मैटर नहीं करता 3 साल से कितना पढ़ाई किए हैं, 4 साल लोग पढ़ते रहते हैं, 7-7 घंटे मेहनत करते हैं डेली पर डे, लेकिन नहीं सिलेक्शन होता, क्योंकि सही डायरेक्शन नहीं रहता है। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सबसे अहम भूमिका यही चीज निभाता है। यहाँ पे इसका पहले एक लेक्चर जा चुका है, जिसमें नोटिफिकेशन डिस्कस किए हैं और यहाँ पे बताए हैं कि क्या होता है परीक्षा। लेकिन यहाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ से शुरू होती है, जो यहाँ पे लिखा है यूट्यूब पर पहली बार धमाका, गांव के बच्चे भी बनेंगे एसडीएम। मेरा एक ही सपना है मेरे साथियों, गांव का हर एक बच्चा भी बनेगा एसडीएम। ये मैटर नहीं रखता कि स्थिति क्या है, आपके पास पैसा है कि नहीं है, आप मिडिल फैमिली के हैं कि बहुत पुअर फैमिली के हैं कि बहुत अमीर फैमिली के हैं। लेकिन अगर आप एक मध्यम फैमिली के हैं, मिडिल फैमिली के हैं, पुअर फैमिली के हैं, तो मैं आपके साथ हूँ, जरूर आप सफलता पाओगे और आपकी बार कोई नहीं रोक पाएगा। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर सिलेबस नहीं पता रहेगा हमें अच्छे से, हम सफलता नहीं प्राप्त होगा। मुझको सिलेबस पता रहना चाहिए, 10 साल का पेपर एनालिसिस पता रहना चाहिए, और इसका हर एक सब्जेक्ट में, जैसे हिस्ट्री है, अब इसे 30 क्वेश्चन आते हैं, तो तीनों पार्ट का हमें अच्छे से विश्लेषण सहित पता रहना चाहिए कि अगर हम देखा जाए तो हिस्ट्री में तो बहुत टॉपिक है, टोटल हम कैसे पढ़ पाएंगे। जैसे कि हमें ये जरूरत है कि हिस्ट्री में अगर 35-40 टॉपिक हैं, तो इसमें से 15-12 टॉपिक पढ़ने की जरूरत है, 15-16 टॉपिक, इसी से क्वेश्चन आते हैं, इससे वो बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर हम पेपर देखते हैं 10 साल का, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, तो ऐसे इसी के माध्यम से हम पढ़ाई करेंगे और कटाव देखेंगे और सारा चीज अच्छे से करेंगे। एक बार अगर बीपीएससी में सिलेक्शन लेना हो, एसडीएम या डीएसपी बनना हो, तो ये वीडियो जरूर देखिए और मेरे साथियों गांव गांव तक शेयर करिए। आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद में सब्जेक्ट वाइज लेके आएंगे, आप 10 दिन मुझको दीजिए, 10 दिन के बाद में आधी तैयारी ज्यादा ऊपर हो जाएगी। आपको बस ये पता होना चाहिए पढ़ना क्या है, उसके बाद में सिलेक्शन आप खुद ले लोगे, सही रणनीति, सही गाइडेंस पता होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे, इतना 6-7 साल 10 साल का पेपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद में सिलेबस डिस्कस करेंगे, ऐसे आप देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद में क्या होगा, ट्रेंड एनालिसिस डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे, मतलब कितने कितने सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आगे जाके यहाँ पर देखिए मेरे साथियों, उसके बाद में क्या करेंगे, हम कटाव डिस्कस करेंगे कि कितना कटाव गई है यहाँ पे और कैसे कैसे कटाव जाती है। सारा चीज कंप्लीट करने के बाद में मैं सब्जेक्ट वाइज आऊंगा, सब्जेक्ट वाइज जो आप सबको सबसे बेहतर बता पाऊंगा कि साइंस में कितनी टॉपिक पढ़नी है और किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन सी टॉपिक छोड़नी है। तो आइए हम बात करते हैं, आप जुड़ जाइए। पहले हम रखे हैं हिस्ट्री, यहाँ पे इतिहास देखिए, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों पार्ट है यहाँ पे। 60-62 में कितने क्वेश्चन आए हैं, 27 क्वेश्चन आए हैं। अगर हमें हम देखते हैं इतिहास से तो काफी अच्छा वेटेज रहता है, 30-30, 26-25, लेकिन जाके यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 67-68-69 यहाँ पे इसका बहुत अच्छा स्कोर रहा है। अभी हम इसके इस क्लास के बाद कल आपको मिलेगा हिस्ट्री का तीनों पार्ट का इसमें एनालिसिस कि इन 3 पार्ट में कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, और ये मैटर नहीं रखता है, कोचिंग मैटर नहीं रखता है मेरे साथियों। आप वही टॉपिक जो हम हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, तो आप क्या करना, कोई से बुक उठा लीजिए, उस टॉपिक को पढ़िए और उस टॉपिक से भी रिलेटेड एमसीक्यू लगाइए, फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, उसके बाद में आप जरूर सफल होंगे। ऐसे आप यहाँ पर देखिए भूगोल, भारतीय भूगोल, पर्यावरण और विश्व का भूगोल। अब इसमें क्वेश्चन तो आते हैं, 16 क्वेश्चन आए हैं इसमें, आए हैं 14 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो 15-18 क्वेश्चन इसमें। अब हमें ये पूरा ओवरऑल नहीं पढ़ना है, जिस हिसाब से सिलेबस में दिया है उसी के अंतर्गत जो 10 साल में पूछा गया टॉपिक है वही टॉपिक पढ़ना है, इसमें हमें गुमराह नहीं होना है। इसीलिए बोलते हैं मेरे साथियों, मेरे भाइयों, कि ये आपको समझने की जरूरत है और जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वही आपको पढ़ने और तैयार करने की जरूरत है, इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, अब यही पढ़ने की जरूरत है। तो इसीलिए आपको अब पढ़ेंगे, इंडिया का पढ़ेंगे, वर्ल्ड का पढ़ेंगे, पर्यावरण पढ़ेंगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा, 2 महीने इसी में तुम्हारा समाप्त हो जाएंगे। तो इतना कुछ नहीं करना है, कुछ ही टॉपिक पढ़ना है। अब ऐसे आप देखिए भारतीय संविधान और राज व्यवस्था, यहाँ पर देखिए इससे 12, 12, 12, अब यहाँ पे एवरेज देखा जाए 13-14 का एवरेज है जो हमारे 10 साल में आया हुआ है, 13-14 क्वेश्चन का एवरेज। तो इसमें से 5-7 टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन बार बार आते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, वही पढ़ना है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इससे ऊपर नहीं पढ़ना है। इसीलिए मेरे साथियों ये चीजें कोई नहीं बताता, इसीलिए हर एक सब्जेक्ट पे वीडियो लेके आ रहे हैं, जो काम आपको करना चाहिए वो काम बहुत पहले मैं करके रखा हूँ और आपके पास लेके आऊंगा और आप उतना ही पढ़ोगे मेरे साथियों, जरूर सिलेक्शन होगा। अब की बार आपका सपना जो है
एसडीएम बनना, डीएसपी बनना कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी बनोगे। और ये जो वैकेंसी आ रही है 1500 लमसम पोस्ट है, सबसे बड़ी वैकेंसी है, तो इसमें आपको मेहनत करनी है और अब की बार अपने गांव का परचम लहरा देना है और भारत में परचम लहराओगे बिहार में एक प्रशासनिक अधिकारी बनके। मेरे साथियों यहां पर देखिए भारतीय अर्थशास्त्र, यहां पे 8, 12, 18, 11, यहां पे 13, 14, 15 का ऐसे एवरेज अगर देखा जाए तो यहां पे टोटल ऐसे है। यहां पर देखिए 69 में 13 क्वेश्चन पूछा गया है, 68 में 15 पूछा गया, 67 में 7 क्वेश्चन, तो 14-15 का एवरेज है। 4 से 5 टॉपिक है इसको पढ़ना है इसमें, जिससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा और वो हम लिख के आएंगे आपके पास। अब यहाँ पे अहम भूमिका ये भी निभाता है भौतिक रसायन जीव विज्ञान, भौतिक रसायन जीव विज्ञान साइंस थोड़ा अच्छा बेटक माना जाता है, लेकिन मेरे साथियों ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें भी टोटल तीनों में 15-14 टॉपिक पढ़नी है, जो छोटी छोटी टॉपिक हैं एक दिन में 2-2 टॉपिक समाप्त कर दोगे और अच्छे से एक बुक ले लेना, बताएंगे सजेस्ट कर देंगे और अच्छे से पढ़ेंगे आप तो वहां से कर लेना। 25, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, यहाँ पे 28-30 क्वेश्चन का रेशियो है, यहाँ पे 28-30 क्वेश्चन का रेशियो है। खैर ये 69 में आया है 22 क्वेश्चन, लेकिन 30-28-30 क्वेश्चन का रेशियो रहता है, इससे ज्यादा बाहर नहीं पढ़ना रहेगा। यही आप है बीपीएससी के इसमें, इसके बारे में बिहार स्पेशल के बारे में। यहाँ पर देखिए कितना 24, यहाँ का अगर रेशियो देखा जाए तो घट गया है रेशियो, लेकिन मेरे साथियों उससे ध्यान देने की जरूरत है, उतना घटा नहीं है रेशियो। आप अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें 25-30 क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर में ऐसे आता है 30 क्वेश्चन सबसे ज्यादा बैठेज है, कभी कभी करंट अफेयर में आ जाता है 35-35 क्वेश्चन, तो इसमें कुछ ही टॉपिक पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे मैथ और रीजनिंग आ जाता है, इससे दोनों से मिला के 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन से बाहर नहीं आते हैं। इसमें भी कुछ टॉपिक पढ़ना है, अगर पढ़ पाना तो पढ़ पाना, नहीं तो उसी पे ध्यान देना निकल जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं ये भूगोल है, इसको ज्योग्राफी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए भारत में भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ऐसा सिलेबस में ये लिखा है। अब हम टॉपिक तभी पकड़ पाएंगे 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, तभी टॉपिक पाएंगे कितने इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है। फिर यहाँ दिया गया भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होते हैं, यहाँ पर ध्यान देखिए संबंधित प्रश्न होते हैं, इसीलिए टॉपिक लेके आ रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी टॉपिक आती हैं, जो इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडिया से, वर्ल्ड से, पर्यावरण से, यहाँ से कितना ही पढ़ने की जरूरत है। भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होती हैं, अब इससे कुछ टॉपिक है सिलेबस में दिया है, वो भी तोड़ के लेके आ रहे हैं और उस टॉपिक से किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे भारतीय इतिहास, यहाँ पे इतिहास के बारे में, अब इसमें तीनों शामिल है प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। अब यहाँ के इसके अंतर्गत इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिपेक्ष में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाता है, यहाँ पर देखिए। उसके बाद में क्या है, परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वो बिहार इतिहास की मुख्य घटनाओं से परिचित हो। यहाँ पर जो बिहार है इतिहास, बिहार इतिहास का बार बार शामिल किया जा रहा है, इसके अंतर्गत टॉपिक लेके आएंगे अच्छे से पूरा तोड़ के लेके आए रहे हैं कि कितना क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और कितने उस टॉपिक से 10 साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सबको तोड़ के अलग लेके आ रहे हैं। इसमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पे मेंशन किया गया है, अब यहाँ पर देखेंगे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन 10 साल से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीय का विकास, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। परिस्थितियों से आशा की जाती है कि वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ऐसे पूछा जाता है, इसके अंतर्गत कितना टॉपिक आ रही है अच्छे से डिसाइड करेंगे और वो लेके आ रहे हैं मेरे साथियों, तभी आपको समझ में आएगा। अब कल जो है इतिहास का लेके आएंगे बिल्कुल अच्छे से, कितने टॉपिक पढ़ना है और इस टॉपिक से, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन पूछ रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन पूछ रहा है, उसमें जो टॉपिक है इससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 साल में कितने क्वेश्चन आए हैं और कितना वेटेज है, कितना स्कोर है, सबसे अच्छा स्कोर वाली जो टॉपिक होगी ऐसे ऊपर रखेंगे, उसके हिसाब से नीचे रखेंगे, उसी हिसाब से आपको 10 साल का एनालिसिस दिखाएंगे और फिर वही टॉपिक पढ़ना रहेगा। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, कोई भी बुक से पढ़ लीजिए, तैयारी सेल्फ स्टडी करोगे आराम से निकल जाएगा, भर में मत पढ़ना, तो मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं आपको यही नहीं पता चलता पढ़ना क्या है। ऐसे हम करेंगे राज व्यवस्था, भारत की राज व्यवस्था के अंतर्गत देश की राजनीति प्रणाली, पंचायती राज, जैसे इसमें पंचायती राज मेंशन है तो 10 साल में देखेंगे कि पंचायती राज से कितने क्वेश्चन आए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर ज्यादा बार आ रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कभी मेंशन करेंगे। सामुदायिक विकास तथा भारतीय योजना बिहार के संदर्भ भी संबंधित जानकारी का परीक्षण किया जाता है, इसके रिलेटेड कितने टॉपिक पढ़ना है राज व्यवस्था के बारे में अच्छे से बात करेंगे और बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप पढ़ेंगे और 1.5 महीना आपके लिए बहुत रहेगा। ऐसे आप देखिए पर्यावरण, इकोलॉजी, यहाँ पर देखिए
आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं दिया गया है, इसमें कुछ नहीं दिया गया है। यहाँ पे बिहार स्पेशल के बारे में देखिए, 30 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। इस पे बताएंगे कि 10 साल में इससे सबसे ज्यादा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। फिर यहाँ पे आप सामान्य विज्ञान के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इसके पहले सामान्य विज्ञान के बारे में बात करेंगे। हाँ, सामान्य विज्ञान यहाँ पर देखिए, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा परीक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी। अब सामान्य जानकारी के बारे में दसवीं लेवल का सिलेबस आता है, और इसमें जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा स्कोर रहता है, कौन कौन से टॉपिक पूछा जाता है, ये हम लेके आएंगे बढ़िया से अच्छे से एनालिसिस के तौर पर। 10 साल के बताएंगे कौन सी टॉपिक पढ़ना है, 10-12 टॉपिक पढ़ना, तो उससे ये भी दिखाएंगे कि 10 साल में कितने बार क्वेश्चन आया हुआ है, कितने ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, और कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है। अब यहाँ पर ऐसे करंट अफेयर के बारे में बताएंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं, बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम। अब इसमें हम 10 साल में दिखाएंगे, 5 साल में दिखाएंगे कि कितना क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं जिससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे आ गया अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सामुदायिक विकास तथा भारतीय योजना बिहार के संदर्भ में संबंधित जानकारी होनी चाहिए। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक 5-7 टॉपिक पढ़नी है, तो अच्छे से बताएंगे कि कितनी कितनी बार आया है। अब यहाँ पर देखिए हैं, यहाँ पर कि सीधा सीधा देख सकते हैं, हिस्ट्री में 28 क्वेश्चन आ रखा है, 65 में ज्योग्राफी में 13, पॉलिटी में 10, इकोनॉमिक्स में 11, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी में यहाँ पे कितना आया, 6 क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पर जनरल साइंस में आप देखिए 24 क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर करंट अफेयर में 26, बिहार हिस्ट्री यहाँ पे अलग अलग मेंशन कर दिया है, बिहार हिस्ट्री 9 क्वेश्चन, बिहार ज्योग्राफी 7 क्वेश्चन, बिहार पॉलिटी 3 क्वेश्चन, बिहार इकोनॉमिक्स 2, और यहाँ पे बिहार करंट 1, यहाँ पे रीजनिंग और मैथ 10 क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ऐसे से पूछा जा रहा है, ये 66 का है, यहाँ पे 25 क्वेश्चन आए हुए हैं, 9 क्वेश्चन ज्योग्राफी पॉलिटी से 7, 13 इकोनॉमिक्स, कभी बढ़ता है कभी घटता है। यहाँ पर देखिए ऐसे उसी ट्रेंड में चल रहा है, जो 28-33 का उसका है करंट अफेयर का, और यहाँ पे ऐसे बिहार हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी करंट अफेयर, ऐसे आप देखेंगे 67, ऐसे आप 67 का देख रहे हैं, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ गए, यहाँ पे आ गए 35 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 15, पॉलिटी से 10, इकोनॉमिक से 15। यहाँ पे कभी कभी वेटेज ज्यादा हो जाता, घट जाता है, तो कुछ ही टॉपिक से होते हैं, जैसे बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक होती है उससे ज्यादा बार पूछा जाता है, उसी से ही बढ़ जाते हैं उसी से घट जाते हैं। यहाँ पर देखिए जर्नल साइंस देखिए 30 क्वेश्चन आ रहा है, करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन कभी घट जाते हैं, और यहाँ पर देखिए अब ये 68 का देखिए 30 आ रहा है हिस्ट्री से, 10 ज्योग्राफी से, पॉलिटी से 10, इकोनॉमिक्स से 9। यहाँ पे थोड़ा पैटर्न चेंज होगा, यहाँ पे जनरल साइंस से देखिए करंट अफेयर से 35 क्वेश्चन, ऐसे आप देखिए बिहार स्पेशल से 30 क्वेश्चन आ जाता है, कभी 20 क्वेश्चन रहता है, ऐसे सेम रहता है, लेकिन जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है उसी टॉपिक से क्वेश्चन घटता बढ़ता रहता है। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो उस टॉपिक से तो कर ही ले जाओगे अच्छे से। यहाँ पर देखिए 69 में, यहाँ पर देखिए 28 क्वेश्चन आया है, 15 क्वेश्चन आया, 13 क्वेश्चन आया है, इकोनॉमिक्स 12 क्वेश्चन, एनवायरमेंट 7 क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ऐसे, यहाँ पर देखिए करंट अफेयर से 26 क्वेश्चन आया है, जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन आया है, बिहार स्पेशल 16 क्वेश्चन आया है, और ऐसे आया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद में हम करेंगे कट ऑफ डिस्कस, ये 63 में क्या कट ऑफ रही है, यहाँ पे जनरल वाले 96, यहाँ पे फीमेल का 86, एससी का 84, यहाँ पे फीमेल का 73, यहाँ पे एसटी का 89, यहाँ पे 78 फीमेल का, ऐसे आया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये है 63 का कट ऑफ 63 का। अब यहाँ पे 64 में देखेंगे 96 वही एवरेज है, 96 जनरल का फीमेल में, 86, 93 ओबीसी का, 82, ऐसे देख लीजिए ऐसे बताया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे 65 का वही है, 97, 91, 94, 88, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं 66 में, यहाँ पे 66 में 108 यूआर का सबसे बढ़ गया, यहाँ पे 100 तो फीमेल का गया था, 103 ईडब्ल्यूएस का गया था फीमेल में, 95 गया था एससी का, 95 और 84 गया था फीमेल का, ऐसे ऐसे स्कोर है। अब यहाँ पर देखेंगे 67 में, यहाँ पे सबसे ज्यादा गया था 113, यहाँ पे फीमेल का 109 गया था, यहाँ 2 बार में ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन जब पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है यहाँ पे देखिए फिर घट गया है। जनरल का देखिए 91, यहाँ पे 84 फीमेल का, और यहाँ पर देखिए 87.25, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 81.25, यहाँ पे फीमेल ईडब्ल्यूएस का फीमेल, एससी का 79.25, 66.50, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो दूसरे राज्य से हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़के, वो जर्नल में ही आते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कितना कटाव आप देख लिए हैं, अब आपको अब की बार का देखना है, अब 69 का और 70 का यहाँ पर देखना है। अच्छे से लग जाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए मेरे साथियों,
अब की बार आपका सपना जरूर पूरा होगा, आपका भाई खड़ा है और आप पेपर देख के आओगे, आप ये जरूर कहोगे कि बहुत समय पे बहुत अच्छी चीजें आप बताए और सही गाइडेंस किए। शिक्षक वही होता है जो सही गाइडेंस करता है, बच्चों को गुमराह नहीं करता है और अच्छे से पहली बार पढ़ रहे हैं बच्चे तो अच्छे से सोच समझ के निकल जाते हैं। ये नहीं है कि उसमें फंस जाएं, दो महीना डेढ़ महीना प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इसी में पास हो जाते हैं। एक डेढ़ साल तीन साल मैटर नहीं करता है आपका, तो ये जो है सिलेक्शन दिलाता है। ये केवल प्रीलिम्स है, ये प्रीलिम्स केवल क्वालिफाई होता है, ये आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करता है कि मेंस में बैठ पाओ। यहाँ इसका नंबर नहीं जुड़ता है, यहाँ बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो। जब तक आप क्लियर नहीं किए रहते हो तब तक आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी चीजें होती हैं प्री क्लियर करना। कुछ ऐसा नहीं है, आप 10 दिन मुझको दीजिए और 10 दिन के बाद जो बताएं ये किसी बुक से पढ़िए, आप पढ़ना आपको है, उसके बाद में आपको रिजल्ट खुद मिल जाएगा। खुद से सिलेक्शन लिया जाता है, किसी के देने से सिलेक्शन नहीं होता मेरे साथियों। मेहनत आप ईमानदारी से करोगे तो ये दावा करता है आपका भाई, कभी आपको असफल नहीं होंगे और अब की बार प्रीलिम्स निकालोगे और मेंस के लिए भी लेके आएंगे, मेंस निकालोगे, इंटरव्यू निकालोगे और फर्स्ट ही बार में एसडीएम या डीएसपी बनोगे और अपने गांव का नाम रोशन कर दोगे मेरे साथियों। ये कहेंगे कि बच्चा होना चाहिए, वही दुश्मन जो कहते हैं कुछ कर नहीं पाएंगे, वही पड़ोसी आपसे बोलेंगे, आपको एग्जाम्पल देंगे, अपने बेटे को एग्जाम्पल देंगे कि अगर बनना हो तो उनकी जैसे बनिए, नहीं तो मत बनिए कुछ। आप पढ़ना है तो ऐसे पढ़ाई करिए कि पता भी नहीं चला। ये सब लोग बोलते थे कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम टाइम में उन्होंने परचम लहरा दिया और पूरे देश में नाम रोशन कर दिया, गाँव में और जिला में। उनके पापा जो कभी सोचते हैं कि हमारा बेटा कोई नौकरी में चला जाए, जब उनका बेटा पीसीएस अधिकारी बनता है तो कितनी खुशी की बात होती है, इतनी खुशी की बात होती है जितना वो सपने में नहीं सोचते। मेरे साथियों ऐसे करिए और बहुत बड़ा परचम लहराइए और उसके बाद में एक प्रशासनिक अधिकारी बनिए और सबका हेल्प करिए। बस यही सोचिए कि जो लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका हेल्प करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। और ऐसे बने रहिए, अगले लेक्चर में आप जरूर मिलेंगे। इसके पहले आप ये शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लगे तो गाँव गाँव बच्चे के पास पहुँचे और यहाँ से बच्चे निकले। जय हिंद, जय भारत।